हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ऊंचाई एवं दूरी से 17 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलटती जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है, और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें करना यह है कि इसमें गली की चौड़ाई हमें ले लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये गली, यहां से यहां तक ये गली की चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसमें दोनों ओर क्या है, मकान है ना, घर है। तो एक इधर ये घर हो गया और एक इधर घर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, जिस घर के साथ सीढ़ी लगा हुआ है और उसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, इसका मतलब वो घर क्या है, छोटा। क्या है, घर छोटा। ठीक है, ऊंचाई उसकी कम है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है, और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर कोण ज्यादा है, इसका मतलब अब जो दूसरे साइड जो सीढ़ी लगेगा, जिस साइड लगेगा उस साइड का जो मकान होगा, घर है, वो ऊंचा है, कोण यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ, इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये छोटे घर के साथ जो होगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। राइट, ठीक है, ये जो है तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब सीढ़ी को पलट दी जाती है, यही सीढ़ी को पलट दिया जाता है तो इधर वाले घर से जाकर के लग जाता है इसी सीढ़ी को। ठीक है, पलट दी जाता है। अब इस प्रकार से जो कोण इधर बनता है, इधर का कोण 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, बात समझ रहे। अब इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सीढ़ी है, ए जो है सो सीढ़ी है, और इसी सीढ़ी को पलट के इधर लगा दिया तो ये भी सीढ़ी है, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो दिया गया है कितना, 30 मीटर। ठीक है, कितना मीटर है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर, इसका मतलब ये भी 30 मीटर है क्योंकि ये सीढ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो ए बराबर सी डी। ठीक है, बराबर 30 मीटर, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, यही सी डी है जो इस घर पे लगा हुआ है वो उस घर पे लगा घर लगा गया, तो इधर ये घर है। ठीक है, ये भी घर है। ठीक है, और इधर भी घर है, इधर भी घर। तो एक घर ए भी है, दूसरे तरफ का जो घर है उसको सी है, एक तरह से समझिए ये घर की ऊंचाई, इधर भी घर की ऊंचाई, और इतना जो बी सी है वो क्या है, गली हो गई। दोनों घर के बीच की जो रास्ता है वो गली है। ठीक है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। हमें यहां से यहां तक गली की चौड़ाई यानी कि बी सी निकालना, ये हमें पता करना है, बी सी। ठीक है, तो गली की चौड़ाई बी सी ये हमें निकालना मेन चीज, बाकी जो कोण वगैरह है इसमें दिया हुआ है, क्लियर है। आइए सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ये समकोण बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहां पर देखिए ये क्या है आपका, कर्ण है और ये आधार है, क्योंकि हमें बीसी निकालना है, तो बीसी है यानी कि बीई और ईसी को जोड़ देंगे हम, तो क्या निकल के आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बीई और ईसी को याद करना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज ए बी ई में
बीई और ये एसी ज्ञात है, एई ज्ञात है, तो इस दोनों का रिलेशन यानी कि ये आधार है डी बाई एच कॉस का रिलेशन होता है, तो हम कॉस यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा कॉस 30 डिग्री, क्या लेंगे कॉस 30 डिग्री डी बाई एच, यानी बी हमारा क्या है डी ई, ठीक है, और एच क्या है ए ई, ठीक है। अब इधर कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा रूट 3/2 इज इक्वल टू बी ई, बी ई पता करना है तो यहाँ पे बी ई रह जाएगा और ए ई का वैल्यू है 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर, पाई क्रॉस अगर हम करें तो हो जाएगा कितना 2 बी ई बराबर 30 रूट 3, ठीक है, इसीलिए बी ई बराबर 30 रूट 3 बटा 2, 2 से ये कट जाएगा तो मिलेगा 15 रूट 3 मीटर, क्लियर। फिर आइए इधर, फिर समकोण त्रिभुज किसमें डी सी ई में, डी सी ई में, यहां पर भी देखिएगा सी डी कितना है 30 मीटर है और यहां भी ई सी क्या है आधार है, तो यहां भी हमें लगाना है कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर बी बाई एच होता है, तो बी हमारा ई सी है, क्या है ई सी, अब बटा एच क्या होगा ई डी हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और ई सी तो हमें ज्ञात करना है, ई सी जैसे वैसे लिख लेना है और ई डी कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 30 मीटर दिया गया है, पाई क्रॉस करने पर 2 ई सी बराबर 30, तो ई सी बराबर 30 बटा 2 यानी कि ई सी का वैल्यू आएगा 15 मीटर, ठीक है। अब गली की चौड़ाई कितना है डी सी, तो आइए देखिए डी सी बराबर हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई सी, ठीक है। अब बी ई का जो वैल्यू आया है यहाँ देखिएगा 15 रूट 3 और ई सी यहाँ देखिए 15 मीटर है, इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा √3 + 1 मीटर, ठीक है, यही हो जाएगा गली की चौड़ाई। नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं, अतः गली की चौड़ाई बराबर 15 × √3 + 1 मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है, गली की चौड़ाई ज्ञात करें, सेम टू सेम जैसे अभी क्वेश्चन को हल किया है उसी तरह का है, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर दिया है, घर दिया है ना, और एक तरफ जो है सो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, एक तरफ 45 डिग्री का बन रहा है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है गली की चौड़ाई ले लेना है एक अनुमान से, ठीक है, एक अनुमान से गली की चौड़ाई ले लेना, ठीक है, ये गली की चौड़ाई हो गई और एक तरफ का मकान बड़ा होगा और एक तरफ का मकान छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सीढ़ी वाला सवाल रहे तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ का मकान जो होगा यानी घर होगा वो ऊंचा और एक तरफ का जो है सो नीचा, मतलब एक ज्यादा ऊंचा होगा और एक कम ऊंचा होगा, याद रखना। तो मैंने दो तरह का इसमें ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या कहा है 30 डिग्री का बना रहा है और सीढ़ी को पलट देने के बाद 45 डिग्री हो जा रहा है, तो 30 डिग्री इधर वाला को मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री यानी कम वाला, और फिर इधर वाले के साथ जो है वो बन रहा है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ठीक। इधर का 30 डिग्री
और इधर का 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी और ई, ये हमारा सीढ़ी है और सीढ़ी कितनी है 8 मीटर लंबी, 8 मीटर और इधर से भी 8 मीटर, ठीक है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई ये लिख लेना, ठीक है। कितना है तो ए ई, ए ई बराबर ई डी, ठीक है। ये सीढ़ी की लंबाई है कितना 8 मीटर, ये और ये सीढ़ी की लंबाई है। आगे हमें निकालना है गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई क्या है, गली की चौड़ाई तो DC, यहां से यहां तक का जो है DC, यही गली की चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, राइट। अब देखिए इसमें ये दोनों तरफ घर है, ये AB भी घर है और इधर DC भी क्या है घर है, ये घर और ये भी घर, तो ये बीच की चौड़ाई है, बीच में गली है रास्ता, ठीक है। आइए अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखिए यहाँ पे ये समकोण बन रहा है यहाँ पर, और ये कर्ण पता है, और गली की चौड़ाई पता करने के लिए ये वाला और ये वाला भुजा अगर हमें ज्ञात हो जाता है तो बीसी आसानी से मिल जाएगा। तो ये कर्ण और ये आधार, कर्ण और आधार इस कोण के लिए क्या होगा, इस कोण के लिए आधार ये कर्ण हो जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा कॉस का रिलेशन लगेगा, कॉस पी बाई एच क्या हो गया डी ई, अब बटा एच की बात करें तो ए ई, तो डी ई बटा ए ई, और कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू बराबर डी ई पता नहीं है और ए ई पता है 8 मीटर, यहां से चाहे तो आप इसे काट सकते हैं चौका 8, ठीक है। इस प्रकार बाय क्रॉस करेंगे तो बी ई का वैल्यू हो जाएगा 4√3 मीटर। फिर समकोण त्रिभुज इधर देखिए इस साइड में ये भी समकोण बन रहा है टी सी ई में, टी सी ई में उधर भी कॉस ही लगने वाला है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर हमारा क्या होगा तो ई सी बटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण के हिसाब से। आगे देखिएगा इधर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1√2, ठीक है, बराबर ईसी ज्ञात नहीं है तो ईसी लिख देना है और डी ई पता है यानी कि 8 के 8 लिख लेना है, ठीक है। पाई क्रॉस करने पर √2 ईसी बराबर 8 हो जाएगा, तो ईसी बराबर 8 बटा √2 होगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा यहाँ इसी बराबर हम लिख सकते हैं 8 को 4√2√2, क्योंकि √2 × √2 होगा और 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी 8 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, और बटा में है कितना तो बटा में है √2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार इसी हमारा बचेगा 4√2 मीटर, क्लियर, इसी आ गया। हमें चाहिए बी सी, ठीक है, तो देखिए बी सी बराबर मैं लिख सकता हूँ डी ई, डी ई प्लस ई सी, डी ई प्लस ई सी। अब देखिए यहाँ पर डी ई का वैल्यू 4√3 आया है, ठीक है, और ई सी का वैल्यू आया है कितना, तो ई सी का वैल्यू इधर 4√2 है। अब देखिए 4√3 का वैल्यू होता है 1.732 प्लस
या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें से कॉमन ले लेता हूं, कितना 4, तो रूट 3 + √2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो 4 × √3 का वैल्यू 1.732 + √2 का वैल्यू रख देंगे तो 1.414 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये 4 होगा अगुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 6, 3 × 1 = 4, 4 × 7 = 11, 1 × 1 = 2, 3 और यहाँ पे दशमलव, इसे कर लेना है गुना। देख लीजिए, 4 से गुना करेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 16, 2 × 18 = 8, 4 × 4 = 5, नहीं बचा, 4 × 3 = 12, दशम यहाँ पे दशमलव लगा देना है 3 अंकों के बाद, यानी कि 12.584, ये गली की चौड़ाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस वीडियो में मैंने 2 प्रश्नों को हल किया है, उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।